8 नवंबर को सरकार के लिए हुए निर्णय, जिससे अचानक उसी वक्त से सारी जो 500 हज़ार रुपये की नोटें हमारे देश में चलन में थी उसको बंद करने के बारे में, और उसके पश्चात जो देश में परिस्थिति निर्माण हुई है, आज हमारा सदन चर्चा कर रहा है। जब ये घोषणा हुई तो स्वाभाविक है कि काले धन को समाप्त करने के लिए, आतंकवादियों की गतिविधियों को रोकने के लिए या नकली नोटों के चलन को रोकने के लिए जो सरकार की जो पहल थी, उसका मैं समझता हूँ कि सारे देश ने और सारे देश के सभी राजनीतिक पक्षों ने उसका स्वागत किया था, और हमने भी ये उद्दिष्टों को पूर्ति करने के लिए जो सरकार के उठाए हुए कदम थे उसके बारे में भी हमने कहा था कि ये सही कदम है जहाँ तक इन लक्ष्यों की पूर्ति हो रही हो। लेकिन ये जब सब कदम उठाए जाते हैं तो स्वाभाविक है कि इसके पश्चात जो होने वाली जो परेशानियां हैं या इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए उपयुक्त तैयारी होनी चाहिए, ये स्वाभाविक तौर से हम सब लोगों को लगा कि सरकार ने निश्चित इसके बारे में तैयारी की होगी। आखिर हमारा देश कोई छोटा देश नहीं है। अभी हमारे कुछ मित्र स्वीडन की बात कर रहे थे, या और कोई दुनिया विश्व के और देशों की जब बात करते हैं तो वहाँ की अर्थव्यवस्था और हमारे इतने बड़े विशाल भारत की 125 करोड़ 130 करोड़ की आबादी का देश, और जहाँ विशेष करके जो भी हमारा चलन है, मुद्रा है, वो कैश इकोनॉमी है, हमारी कोई बैंकिंग या हमारी प्लास्टिक इकोनॉमी नहीं है अन्य देशों के तरह। और जब यहाँ पर 1978 के डीमोनेटाइजेशन की बात हुई तो 1978 में उस वक्त पूरे देश के चल मुद्रा का 1%, केवल 1% मुद्रा बड़ी नोटों में थी, बाकी सारी मुद्रा छोटी नोटों में थी। तो 1978 में डीमोनेटाइजेशन हुआ, और आज अगर हम उसको 2016 में कहेंगे कि वही मात्रा में उसी तरह से डीमोनेटाइजेशन करके हमारे लक्ष्य की पूर्ति हम करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये हम अपने आप को ही झांसा दे रहे हैं। ये बात कोई भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है, और अभी सभी लोगों ने कहा, इसलिए मैं दोबारा वही आंकड़ों का दोबारा दोहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन जहाँ 87% आज देश की मुद्रा बड़ी नोटों में 500 और 1000 रुपये की नोटों में है, वहाँ पर इतने बड़े कदम को जब सरकार उठाती है, इतना बड़ा एक निर्णय लेती है, तो हमें तो अपेक्षा यही थी 8 तारीख की रात को कि निश्चित 9 तारीख सुबह आएगी और सरकार ने पूरी तरह से इसको काउंटर करने के लिए सारे कदम प्रावधान लिए होंगे, जिससे सामान्य लोगों को या देश की अर्थव्यवस्था पर कोई उसका असर ना हो, विपरीत असर ना हो। अभी हमारे अभी ऐसे ही देख रहा था, अभी 50 रुपये की नोट तो बड़े दिनों के बाद मेरे भी हाथ में लगी है, नहीं तो आजकल सबके पास 500 और 1000 रुपये की नोट होना स्वाभाविक है। लेकिन इस छोटी सी नोट में भी लिखा हुआ है, आई प्रोमिस टू पे द बेरर ऑफ द सम ऑफ ₹50, या जो भी मुद्रा के ऊपर जो भी उसकी आंकड़ा है, और गारंटी है, नहीं आई प्रोमिस टू पे, और गवर्नर रिजर्व बैंक 50 रुपये में शायद नहीं है, मगर जो भी है, कहने का मतलब ये हमारे देश का ये लीगल टेंडर है, और इसमें सरकार या जो हमारी सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक, इसके माध्यम से हर व्यक्ति को ये एक आश्वासन मिला हुआ है कि ये मेरा पैसा है और इसका जब भी मैं चाहूँगा इस मुद्रा की मूल्यांकन मुझे हमेशा प्राप्त होगा। इसमें आपने लिखा है 500 रुपये की नोट में आई प्रॉमिस टू पे, वही लिखा है जो इसमें लिखा हुआ है। तो खैर, कहने का मतलब ये है कि आज जब 87% हमारे देश की मुद्रा चलन में है और उसको रातों रात बंद कर दिया गया, तो स्वाभाविक है, जैसे बहन जी ने कहा, कि देश में एक अफरा तफरी का माहौल निर्माण हुआ है, और आज किसी भी व्यक्ति को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने करना क्या। अब 87%, और वो भी भारत, आज अमेरिका हम नहीं है कि जहाँ पर कोई भी चीज़ दूध लेना है, कोई टूथपेस्ट लेना है, तो अपना वो कन्वीनियंस स्टोर में गए, वहाँ पर अपना एक क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर दिया और वहाँ से अपना जो भी लेना है ले लिया, पेट्रोल पंप पे गए,
तो वहां पर भी कोई कैश देता नहीं है, वहां पर क्रेडिट कार्ड पे काम होता है। अभी हमारे देश में मुश्किल से 2 करोड़ क्रेडिट कार्ड है, और 2 करोड़ क्रेडिट कार्ड 130 करोड़ के देश में, इससे हम लोग कहां से इसकी पूर्ति करेंगे, कहां तक हम लोगों को नहीं, वो ठीक है जो भी है, 2 करोड़ अगर क्रेडिट कार्ड है तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और आज उसका मतलब यही हुआ कि हर मतलब 10वें आदमी में 1 आदमी के पास भी मुश्किल से नहीं है, ये 100 में 1 आदमी के पास है। तो ये बात आज हम लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए था। कोई भी ऐसा निर्णय, कोई भी ऐसा कदम हमने उठाया तो इसके बारे में हमने कुछ भी सोचा नहीं, कुछ भी इसकी तैयारी नहीं रखी। आज यहाँ तक ये परिस्थिति है कि ATM में नई नोट उसका वो साइज के हिसाब से वो कैलिब्रेट नहीं हो रही है। मतलब यहाँ तक भी हमारी तैयारी नहीं है कि नई नोट कम से कम ATM में जब जाएगी, नए ATM में, मतलब नई नोट पुराने ATM में, तो वो ATM उसको स्वीकार कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा। एंड दैट इज वाई दादा, दैट इज द प्रॉब्लम, द न्यू ATMs हैव टू बी रिकैलिब्रेटेड बिकॉज वो नोट की साइज वो साइज के साथ मैच नहीं हो रही है। इसलिए आज सुबह ही मुझे मुंबई से एक हमारे मित्र का फोन आया कि बोले मेरी पत्नी 12 ATM में आज अलग अलग जगह गई, 1 भी ATM वहां का शुरू नहीं था। ये परिस्थिति आज मुंबई में है, यही परिस्थिति आपको दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस में नजर आती है। और आप सोचिए, जब ये यहाँ हमारे बड़े शहरों में बड़ी जगह पर ये परिस्थिति है, तो छोटे छोटे आज ओडिशा के छोटे गांव में जाइए, या तमिलनाडु के कोई बैकवर्ड इलाके में चले जाइए, या झारखंड में जाइए, या पंजाब के कोई छोटे कस्बे में चले जाएंगे, तो आपको वहाँ पर ये परिस्थिति को कैसे सामना लोग करते होंगे, ये तो कल्पना के बाहर है। केवल हम लोग यहाँ मालूम नहीं, मीडिया में तो सब अच्छी अच्छी बातें हम लोगों को सब नज़र आ रही है, लेकिन निश्चित कहीं ना कहीं इस बारे में हम लोगों को चिंतन करना चाहिए। और इसी वजह से आज ये हाउस में हम लोगों ने इस अहम चर्चा पर हम सब लोग भाग ले रहे हैं। मेरा एक नौकर जो घर में काम करता है, वो परसों या आठ तारीख को फैसला हुआ, उसी दिन शाम को वो 50,000 रुपये का एडवांस लेकर अपनी बहन की शादी करने के लिए वो ट्रेन में बैठा, और वो शादी 4 दिन के बाद थी। वो ट्रेन में अभी बैठा है और वो अभी अपने गांव वो पहुंचा नहीं, उसके पहले नोटों का चलन बंद हो गया। अब वो व्यक्ति अपने गांव में पहुंचने तक उसकी ये अवस्था हो गई कि अब वो वहाँ से, उसको पहले तो घर जाने के लिए उसको आगे टैक्सी वैक्सी की जरूरत थी, वो ही उसको नहीं मिल रही थी। जैसे वैसे वो कहीं भी पहुंचा अपने गांव में, वहां से उसने फ़ोन करके बोला कि साहब इसमें मदद करो। मैंने बोला देखो, हम कितने भी सामर्थ्यवान होंगे लेकिन इस मामले में हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। क्या मदद करेंगे? 50,000 रुपया उसको फिजिकल कैश को वहां पर उसके गांव में छोटे नोटों के उसको कन्वर्ट करके मैं भी क्या दे सकता हूँ, आप भी क्या कर सकते हैं? सभी लोग जितने वो असहाय था उतना ही असहाय मैं अपने आप को महसूस कर रहा था। और इसी वजह से आज जो पूरे देश में जो परिस्थिति निर्माण हुई है, इसके बारे में अभी भी सरकार को, शायद पीयूष भाई आपने यहाँ पर सरकार की बाजू रखी, सरकार के उद्दिष्ट के बारे में कोई भी यहाँ पर किसी ने भी प्रश्न नहीं उठाया है। लेकिन इस इतने बड़े कदम को आप जब उठाते हैं तो उसके लिए आपकी पूर्व तैयारी जो होनी चाहिए थी, इसके बारे में आपने कुछ भी नहीं कहा। और इसीलिए मैं कल मुंबई का भी एक किस्सा बताता हूँ, और आपको वो जगह पूरी तरह से मालूम है, कालबा देवी, वो पिकेट रोड के मंदिर के लिए जब टर्निंग करते हैं वहाँ पर एक बैंक की ब्रांच है, इतने सारे लोग वहाँ जमा थे, और वहाँ बैंक के बाहर जो माहौल था, लिटरली एक दूसरे के ऊपर लोग चढ़ाई कर रहे थे, एक दूसरे को कोस रहे थे, और मैंने काज खुद उतार कर, मैंने गाड़ी खड़ी करके मैंने सुना, आपको भी बहुत अच्छी तरह से प्यार भरा आपको मतलब ढेर सारी कोस दे रहे थे। हाँ प्लीज अध्यक्ष जी, जो ये 14 लाख करोड़ रुपए 500 और 1000 रुपए के नोट में थे, इसमें मैंने अपने बात में कहा कि आधे से भी अधिक नोटों के सीरियल नंबर बैंकिंग सिस्टम में आ ही नहीं रहे थे, जिसकी वजह से ये आकलन लगा कि कुछ हो सकता है होल्डिंग हुआ है पैसे का। पहली बात तो सर्कुलेशन में जो 6-7 लाख करोड़ रुपए थे
उतना पैसा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाएगा चंद ही दिनों में। अगर हम सब इसको होल्डिंग ना करें और नए नोटों को फिर से एक बार मार्केट में आने दें, ये सेंसेशनलाइज ना करें, जब उद्देश्य उद्देश्य सबको अच्छा लगे कि उद्देश्य अच्छा है। मैंने एक मिनट, ये यील्डेड टू मी फॉर अ मिनट, आप भी अपनी बात रखना जरूर। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर लोग थोड़ा सब्र रखें और तीन चार दिन में ये मामला सुधर जाए तो इसमें सभी का हित है। जब उद्देश्य को सब तारीफ कर रहे हैं तो ब्लैक मनी खत्म करने का उद्देश्य हम सबकी सहमति है आपके, और चंद ही दिनों में अगर हम ये अफरा तफरी ना बचाएं और लोगों को बेच बेच के डुप्लीकेट लाइन में ना खड़ा हो तो अपने आप ही ये मामला सुलझ देखिए आपने यहाँ पर स्पष्टीकरण किया, नहीं इन्होंने स्पष्टीकरण किया। आप सोचिए, आप बात कर रहे हैं कि लाइनों में दोबारा खड़े ना रहे और अफरा तफरी ना मचाए। एक आदमी को मुश्किल से 4,000 रुपया आप बदल के दे रहे हैं, उसको क्या एक बार 4,000 रुपया आपने बदल के दे दिया तो क्या उसका काम हो गया हमेशा के लिए? उसके बैंक से वो 24,500 निकाल सकते। क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं? कौन सी बैंक दे रही 24,500 रुपये? जरा बताइए, 24,500 रुपया किसके पास है? देखिए मैं समझता हूँ आप ऐसा कम, आप जितना कम बोलेंगे शायद आप बचेंगे, आप ज्यादा मत बोलिए क्योंकि परिस्थिति जो ग्राउंड पे है बिल्कुल अलग है। मैं आपको कह रहा हूँ पीयूष भाई, देखिए मुझे मैं कोई आपकी आलोचना नहीं, लेकिन आम आदमी की जो परेशानी है, हम भी और आप भी सब इस सदन में जनप्रतिनिधि के तौर पर बैठे हैं, क्या परिस्थिति है, क्या परिस्थिति है। और देखिए आप ये जो काले धन की बात कर रहे हैं, बड़े लोगों का काला धन, ये सब बात छोड़िए, जो 99% लोग जो आपको ज्यादा से ज्यादा मानने वाला छोटा व्यापारी, छोटा जो धंधा करने वाला, जो अपनी यहाँ धोती में पैसा बांधकर बाजार में जाकर बिक्री करता है, उसको जो आपने आघात पहुंचाया है उसका अंदाज अभी आपको लगा नहीं है, ये आपको सोचने की बात आने वाली है। और बहन जी को मालूम है हापुड़ और हाथरस की मंडी में अभी गुड़ की जो चक्की बनती है, जो व्यापारी आता है गांव से कहीं से खरीदने के लिए, उसको कोई पहचानता नहीं है, वो जब पैसा धोती में बांध कर लाता है और वो नोट वहां रखता है तब उसकी ट्रक की लोडिंग और अनलोडिंग होती है, उसको कोई चेक नहीं दे उसका मंजूर करता, कोई उसका कोई RTGS नहीं होता, उसका बैंक अकाउंट नहीं होता। 90% ऑफ इंडिया ट्रेड इज इन द इनफॉर्मल सेक्टर एंड यू कैनॉट चेंज दैट। वो बदलो, आप बदलने की मंशा रखिए, खुशी की बात है, लेकिन आज जो उसको परेशानी हुई उसका क्या? आज आपको खाना, हम और आपके लिए बहुत आसान है इधर बोलना, पर आज एक दिन अगर आपको और हमको घर में जाकर हमारे बीवी बच्चे अगर वो पूछे कि खाने के लिए आज हमारे लिए क्या इंतजाम है, और अगर हम नहीं कर सकते हैं तो उस घर में उस परिवार पे क्या बीत रही होगी? किसी के स्कूल के बच्चे की फीस कल भरने की है वो नहीं भर पा रहा है, या किसी की शादी का मैंने जैसे उदाहरण दिया, बहुत सारे ऐसे अनगिनत उदाहरण ऐसे हैं कि जो अलग अलग लोगों ने अपने भाषणों में कहा, इसलिए मैं हर चीज का दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं पीयूष जी ने जो बात कही थोड़ा सा सुधार बताओ आपको, 24,000 वो तभी निकालेगा जब उसके अकाउंट में होगा। अच्छा कितने, अच्छा एक मिनट, अच्छा छोड़ दीजिए ना, अरे छोड़ दीजिए, डोंट रेस्पॉन्ड टू, आई एम नॉट गोइंग टू डिपॉजिट करके प्लीज। अरे भाई मैं आपकी Mr. Praful, please address the chair. You need not respond. अच्छा साहब एक बात बताइए, आनंद जी आज बाजार में, मंडी में, आज दिल्ली की मंडी में चले जाइए, हिंदुस्तान के तो हर गांव शहर में छोटे छोटे बाजार भी, छोटे छोटे गांव में हफ्ते के बाजार लगते हैं, वहां पर उन बाजारों में कितनी सब्जी सड़ गई, किसी ने मच्छी की बात कही, कितना फ्रूट सड़ रहा होगा, कितने लोगों को जिस दिन मजदूरी, जिसको आज की आज उसको कमा कर खाना है शाम को, उसको आज मजदूरी नहीं मिली। आज हमारे महाराष्ट्र में अभी पवार साहब कह रहे थे कि जो गन्ना कटाई होती है वहां पर
खेतों में, उसको जो चुका रहे होते हैं वो तो छोटा छोटा मजदूर बाहर बाहर से आके वहां पर कटाई के सीजन में आता है, उसको चुका रहे नहीं हो रहे हैं। आज आज कितने सारे ऐसे इनफॉर्मल सेक्टर है। मैं बीड़ी उद्योग से जुड़ा हुआ हूं, मुझे मालूम है कि बीड़ी उद्योग में आज 50 लाख लोग जो काम करते हैं उनको कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट होता है चेक से, लेकिन उसको तो अल्टीमेटली पेमेंट करना है मजदूर को बाय कैश, वो तो उसको मिलना ही नहीं है। ऐसे कितने सेक्टर होंगे। आज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करते हैं, बहुत सारे लोगों ने कहा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री यहाँ पर दो नंबर का सब काम होता है और इसी के वजह से ब्लैक मनी का बुनियाद है। चलिए ठीक है, मान लिया एक बात को, लेकिन उस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का मैंने कई लोगों से बात किया और आप और हम जानते हैं मुंबई में हम लोग बहुत सारे लोगों को जानते हैं, उनका क्या कहना है कि भाई चलिए बोलते हैं ना ब्लैक मनी कंस्ट्रक्शन में या इंडस्ट्री में, बिल्डिंग इंडस्ट्री में बहुत लगता है, लेकिन उस इंडस्ट्री को आज 80-80, 90-90 परमिशन भी तो लेनी पड़ती है और एक भी परमिशन बिना पैसे हो रही है। उसको आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उसको दुरुस्त किया, आपकी बात नहीं है। ये परिस्थिति हमारे देश में बहुत सारे ऐसी बीमारियां, ये कोई पारंपरिक भी है और इसीलिए आप एकाएक अगर सोचेंगे कि हमने उसको चट मंगनी पट बिया, हमने इसको सब प्रॉब्लम को आज रातों रात सॉल्व कर दिया, ये ऐसा कोई होने वाला नहीं है। अभी 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 नहीं नहीं, लेजिटिमाइज की बात नहीं है, ये सब जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको हर आदमी को इसमें समावेश नहीं करना चाहिए था। मैं मानता हूं काले धन के खिलाफ में आप किसी भी तरह से मुहिम चलाइए, बहुत बड़ी मुहिम आप इससे भी बड़ी चलाइए, कोई उसमें कोई इश्यू नहीं है। अभी कई लोगों ने पॉलिटिकल फंडिंग की बात की, बहन जी ने भी बात कही, आज पॉलिटिकल फंडिंग हम और आप सब जानते हैं, ये कोई किसी एक बात, अच्छा वो नहीं जानते, अच्छा आप नहीं जानते, हम लोग जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो ये इस तरह से चुनाव में क्या हाल हो रहे हैं हम सब लोगों के, ये आप भी जानते हो अच्छे से, हम भी जानते हैं, आप तो पार्टी के ट्रेजरर भी हैं, और इसीलिए जो परेशानियां सबको हो रही है ये भी तो हमको सुधार करना होगा। आज काले धन के लिए पॉलिटिकल फंडिंग और ये जो परेशानियां है ये हम सब लोगों को अच्छे तरह से मालूम है, लेकिन जानकर भी हम लोग अनजान बनने की कोशिश करते हैं। ये सारी बातें इस तरह से है। और आज आप बोलते हैं कि सबको पैसा मिल रहा है बैंक से, मैं अभी आपको किस्सा बताता हूँ। पूना डीसीसी बैंक है, डीसीसी बैंक का आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का पूरा व्यवहार बंद कर दिया है, टोटल यू कैनॉट ड्रॉ सिंगल रूपी। एंड आई एम टेलिंग यू, महाराष्ट्र में और कई उत्तर प्रदेश हो, सब जगह पे आज पूरे इंडिया में 50% अगर कोई जिले में अगर खाते होंगे तो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में होते हैं, प्राइवेट अलग अलग संस्थाओं में होते हैं, किसी के पास फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर में नहीं होता है। आज आपने टोटल उसका विड्रॉल बंद कर दिया। आज पंजाब में कितनी सारी कोऑपरेटिव बैंक है, यू वुड नो, आज उनका क्या करोगे आप? इसीलिए मेहरबानी करके बहुत सारी चीजें कुछ स्वीकार करने की भी जरूरत है। हम ये नहीं कह रहे कि आपका उद्दिष्ट गलत है, लेकिन ये जो परेशानी आज जो हो रही है इसको आप कहीं ना कहीं अभी इसमें से रास्ता निकालने की तुरंत जरूरत है। 50 दिन तक अगर आप किसी को कहोगे 50 दिन भूखा रहे और 91 दिन तुमको बड़ा भोज दूंगा, तो 50 दिन में वो तो मर जाएगा, फिर 91वें दिन भोज खाने के लिए वो जिंदा नहीं रहने वाला। और ये परिस्थिति आज आपको कहीं ना कहीं इसका सामना करना पड़ेगा। और इसी वजह से आज ये नोटों का भी, अभी कल इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी का बयान आया है ऑफिशियली कि नोटों से रंग निकलता है वो सही नोट है। ये क्या ये कौन सा, I have seen it officially, everybody has read it, it is in the newspaper. अगर इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी अगर ऐसा बयान करेगा तो अफरा तफरी देश में नहीं मचेगी, मतलब रंग निकलेगा तो असली नोट है बोलते हैं। I cannot understand, रंग निकलेगा तो नोट असली? अरे मेघवाल जी आप जरा देखिए, शक्तिकांत दास ने ऑफिशियली बोला है, कोई भी मैं I am willing to validate it. How can you get your economic affairs secretary to say something like this? मेघवाल जी कुछ बताइए, मतलब ये तो डर लगेगा ना, फिर 2000 की नोट पकड़ेगा कौन आपकी? बारिश में क्या डर लगेगा? नोट लेके
I am telling you something which I am saying with validation. I am not talking in the air. और इसीलिए आप अगर इस प्रकार की चीजें नहीं करेंगे, please. I am just finishing, sir. I am only requesting you that please, जो भी आपने किया है, अब आपको उसमें से क्या संशोधन करके लोगों को राहत कैसे देते आएगा, इसके बारे में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा सोचने की जरूरत है, वरना आज जो परिस्थिति हुई है, सामान्य आदमी बहुत दुखी है, और जो मर वर्ग आपको सबसे ज्यादा मानता है वो सबसे ज्यादा चिंतित है. थैंक यू. ये आप कृपया करके थैंक यू वेरी मच. थैंक यू मिस्टर प्रफुल्ल पटेल.